बुजुर्गों को सम्मान दिलाने के लिए हमीरपुर जिला के स्वाहल गांव के लोगों ने पहल की है और इसी के लिए 24 मार्च को गांव में एक सम्मान समारोह का आयोजन कर गांव के करीबन 2 दर्जन बुजुर्गों को सॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा ताकि युवाओं को बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। बुजुर्गों के सम्मान समारोह के लिए गांव में तैयारियां चली हुई हैं ताकि समारोह बढ़िया हो सके। सेवानिवृत्त अजीत सिंह चौहान ने बताया कि बदलते परिवेश में बुजुर्गों के सम्मान को लेकर युवा गंभीर नहीं है और युवाओं की बुजुर्गों के प्रति सम्मान करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में युवाओं को सीख मिल सके। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल गांव के ही बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा लेकिन आने वाले समय में पूरी पंचायत के बुजुर्गों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। बुजुर्गों की आजकल दयनीय स्थिति है, बुजुर्गों की कोई वैसी केयर कोई नहीं कर रहा है। हमने भी कल को बुजुर्ग होना है, क्यों ना हो कि किसी को तो उठना ही पड़ेगा कि बुजुर्गों की कोई सुध ले। फिर हमने सोचा भी हम ऐसा करते हैं कि गांव में कोई फंक्शन करते हैं, पर हमने विचार बनाया कि नवरात्रों में सातवें नवरात्रे को शनिवार के दिन 24 मार्च 2018 को अपने गांव के ही जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर मीन के 80 साल से लेके ऊपर तक, तो हमारे गांव में 105 साल की वृद्धा भी है और 80-85-98 तक इसमें काफी रेंज में मतलब हमारे बुजुर्ग हैं। टोटल हमारे गांव में 18 ऐसे वृद्ध हैं जिनको हम 24 तारीख को सम्मानित करने जा रहे हैं ताकि उनको सम्मानित करते हुए जो गांव देखेगा, बच्चे देखेंगे, उनके मन में कोई प्रभाव ऐसा पड़े कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, अगर हम कुछ बड़े बने हैं तो बुजुर्गों की वजह से बने हैं,